नमस्ते इंडिया, नमस्ते पहाड़। और मैं हूं आपका दोस्त पहाड़ी यार, और आप देख रहे हैं मुझे देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कहाँ जाने वाले हैं साहिल? एक सीक्रेट प्लेस पर। सीक्रेट प्लेस पे जाने वाले हैं, तो इस ब्लॉग को आप इंजॉय करिएगा। और दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने मार्केट में, और ये है साहिल। साहिल, हम आपको तैयार, और ये हमारा स्कूल है जहाँ की हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, ऊपर से आप सूर्यदेव को देख सकते हैं, और नीचे हमारा स्कूल, और ये पहाड़ों की सुंदर वादियां देखिए आप, क्या प्यारा है देखिए। और सामने की पहाड़ियों में ना, जब दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है यहाँ पर। ये हमारा प्रताप नगर है, और ये हमारा मिनी मार्केट लमगांव, और ये है हमारा शेरू। हाय शेरू, नीचे बैठ के दिखाओ ना। हेलो, कैसे हो आप? अभी हम पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के घर पे, जो है नरेश बिष्ट, जो आप सामने देख रहे हैं, और बगल में भाई जी हैं। भाई जी, आपका शुभ नाम? आलोक बिष्ट। आलोक बिष्ट, और ये है साहिल। और अभी हम जो है इनके घर पे खा रहे हैं, प्योर पहाड़ी भोजन कर रहे हैं, बहुत ही मस्त भोजन बनाए हैं आज का। और अभी यहाँ पे साहिल ले रहे हैं खाना। क्या क्या है साहिल खाने में? सबसे पहले हमको कद्दू, पहाड़ी कद्दू। अच्छा, पहाड़ी कद्दू है, पहाड़ी आलू। अच्छा, और दही और खीरे का रायता। ओह माय गॉड, कैसा लगा? रोटी देखो, घी के साथ पूरी। ओहो, मतलब काफी अमेजिंग का ये आज का खाना है हमारा, पहाड़ी फूड, और काफी मजेदार बनाया है, काफी टेस्टी है। और ये हमारे छोटे भाई साहिल, कैसा लग रहा आपको हुलियाणा में आके हमारे दोस्त के घर पे? कूल। नरेश बिष्ट जी, और ये होती गांव की लाइफ। और इस गांव में जो है हरियाणा में आपको ना तमाम तरीके के जो है फ्रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो माल्टे, संतरे, आम, आड़ू, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं तो देखिए, पूरा मस्त व्यू दिखाई देता है यहाँ से, चारों तरफ आप देखिए पहाड़ी पहाड़। ये हमारा मणका का डांड है। ये क्या है? मणका का डांडा, पहाड़ी लैंग्वेज। ये है डांडा, यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। और सामने है, सामने कौन सा मंदिर है यार? जाग देवता का मंदिर है, और ये न्यू गांव है, ये बहुत ही प्यारा गांव ये भी है। ये देखिए, जूम कर रहा हूँ और जूम करता हूँ, तो ये देखिए आप, और ऊपर भी बहुत सारे गांव है इधर, और यहाँ जो है बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। आगे चलते हैं अभी। नहीं, ये देखिए फूल, देखिए जरा आप इस पहाड़ी पे देखिए, कितना प्यारा फूल लगा हुआ है यार। वाओ यार, अमेजिंग। जिसका भी होगा भाई, आप बोल सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसने तोड़ दिया है, साहिल हमारा छोटा भाई, एक फूल। वाओ, आपके लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपके लिए नहीं, सब्सक्राइबर के लिए। ओहो हो, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा टॉप ऊपर ही जा रहे दोस्तों, ट्रैकिंग कर रहे हैं। चलिए भाई, थकान लग गई थोड़ी, काफी टाइम से चढ़ाई चल रहा हूँ। और यहाँ का मौसम गाइस इतना कूल कूल है ना, मैंने जैकेट पहन रखी यार, इसलिए पहन रखी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। और ये भाई हमारे नरेश भाई ने इसलिए पहन रखा है, बहुत ठंडा है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे जो मौसम है। हाँ, कूल कूल है। और बताइए, इतने सारे फूल है और फल है। अच्छा, ये हमारे घर है। अच्छा, किसके घर में घुस रहे हैं? ये किसका घर है? वाह यार, ये भी बहुत मस्त है। और देखिए गाइस, यहाँ पे आपको कितने सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे यहाँ पहाड़ों में, टॉप में। और इधर साइड अगर मैं जाऊँ ना, तो यहाँ पे फ्लावर ही फ्लावर है, और इतने गजब के फ्लावर है ना कि बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, मतलब टॉप के फ्लावर हैं, देख रहे हो? जूम करूँगा ना मैं तो, यहाँ पे देखिए आप, मतलब प्रकृति का पूरा सुंदर नज़ारा ना यही है। आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट देखने को मिलेंगे। और चलिए आगे चलते हैं, और भी यहाँ पे बहुत कुछ है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा मतलब माल्टे का पूरा पेड़ जो है ना फुल हो रखा है, और काफ़ी मस्त लगता है यार ये सारे जो माल्टे होते हैं ना, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो आपको याद आई होगी अपने बचपन की, जब आपने बहुत सारे माल्टे खाए होंगे। और इधर साइड चले हम आगे, तो यहाँ पे ना एक पेड़ ये भी है, और इसमें भी ना बहुत सारे येल्लो हो रखे हैं,
जूम करूं तो ये देखिए आप कितने सारे माल्टे हैं। और इधर साइड में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको फ्लावर ही फ्लावर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए काफ़ी अमेजिंग प्रकृति का सुंदर नज़ारा तो यही है। ये जो डॉग है ना, ये जो है शेरों से भी लड़ जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो है, ये बड़ा वाला देखो, ये तो लड़ जाता है यार ये जो है। और गाइज ये मकान आप देखिए कितना पुराना मकान है यार, ये सन 1900 का मकान होगा। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही और पुरानी जो विरासत होती है ना वो ये होती है, जो कि इन्होंने यहाँ पे गांव वालों ने बचा के रखी है। और गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं अपने नरेश भाई के घर पे। ये देखिए कितना प्यारा घर बना रखा है हमारे नरेश भाई ने। नरेश भाई हाथ दिलाओ यार, और पूरी मतलब संस्कृति को बचा के हमारे नरेश भाई ने रखा हुआ है। और ये देखिए आप, वाह कितनी दालें होती है यार यहाँ, घात वगैरह जो होते हैं ना, घात बोलते हैं जिसके लिए, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है दालें वगैरह। और भी तमाम गांव यहाँ पे हैं जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पत्री काम आती है। अच्छा, और हमारी बुआ जी नीचे आप देख सकते हैं। बुआ जी हाथ लाओ, ये देखिए आप। सो गाइज आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा यार, कमेंट करके आप जरूर बताना। और ये गांव आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपने पहाड़ी यार के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप नीचे रेड कलर के बटन को दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो नए ब्लॉग आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। बाय बाय दोस्तों।